हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। ये यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट का सब टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम लोग उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहले ये जानिए कि फैक्टर प्राइस किसको कहते हैं। प्राइस पेड फॉर दी फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज हम प्रोडक्शन के अंदर लेते हैं, यानी हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लैंड, लेबर, शॉर्ट में ही लिखूंगा सब, लैंड, लेबर, कैपिटल, और जाहिर एक एंटरप्रेन्योर होता है जो इन सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करके प्रोडक्शन करता है। इन सबको हम कुछ ना कुछ पे करते हैं, ठीक है। अब ये लैंड है, लैंड को हम रेंट देते हैं, ठीक है। लेबर है, इसको वेज देते हैं। कैपिटल है, इसको हम इंटरेस्ट देते हैं। और एंटरप्रेन्योर बचा हुआ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्शन के अंदर कितना पोर्शन लैंड का है, कितना पोर्शन लेबर का है, कैपिटल का है, और कितना एंटरप्रेन्योर को जा रहा है, ये जब हम डिटरमिन करते हैं, यानी जब हम वेज रेट डिटरमिन करेंगे, जब हम इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करेंगे, जब हम रेंट ये और प्रॉफिट सारी चीजों को डिटरमिन करते हैं, तो इसी को हम फैक्टर प्राइस कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग क्या है, ब्रेकिंग डाउन ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इंटू कंपोनेंट्स। हम फैक्टर प्राइसेस के अंदर जो एक प्रोडक्ट है उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज फैक्टर प्राइसिंग। और इससे हम कॉस्ट को डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्शन के अंदर कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट में कैटेगराइज करते हैं। यानी जाहिर है फैक्टर्स तो ये हैं, लेकिन हम इसकी जो कॉस्ट आती है उसको हम तीन फैक्टर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला, हमने कितना मटेरियल इसके अंदर लगाया है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कौन यूज करेगा, लेबर, तो लेबर कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जब हमारी मटेरियल कॉस्ट भी हो गई, हमारी लेबर कॉस्ट भी हो गई, अब कुछ हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। क्या है हमारी मटेरियल कॉस्ट, कौन सी है, कोई भी एक्सपेंसेस जो हमने मटेरियल को खरीदने में किए हैं, एनी एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल। लेबर कॉस्ट हम जानते हैं, हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, इसमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं वो लेबर कॉस्ट में कहलाते हैं। और ओवरहेड के अंदर जो ऑल अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, हम रेंट देते हैं, यूटिलिटीज हम ये लोग यूज करते हैं, इंश्योरेंस है, टैक्सेस हैं, ये सारी चीजें हमारी ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, मैं एक बात और ये शुरू में बता दूं कि ये जो हमारी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, ये और भी कई नामों से जानी जाती है, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपको ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगी, यही थ्योरी है, फैक्टर कॉस्ट एनालिसिस से मिलेगी, यही थ्योरी है, फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस से मिलेगी, या मार्कअप मेथड से मिलेगी, ये सारी की सारी एक ही थ्योरी है। ये थ्योरी कहती क्या है, ये सिंपली कहते हैं कि जब आप किसी भी प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट को कंसीडर कीजिए। और कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए हम दो फैक्टर को बहुत ज्यादा, प्राइसिंग फैक्टर को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं, जिसमें पहला है रिस्क एंड रिटर्न। हमने कितना रिस्क लिया है इन्वेस्टमेंट में और हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो हमें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई, मैंने जो बिजनेस के अंदर अमाउंट लगाया है, अगर वही अमाउंट सेम के सेम मैं बैंक में रख दूं तो अच्छा खासा तो मुझे इंटरेस्ट देगी। सपोज कर लीजिए मैंने 100 रुपए रखे, एग्जाम्पल छोटे से ले रहा हूं, 100 रुपए रखे मैंने, 7% बैंक दे रहा है, तो 7 रुपीज पर ईयर तो मुझे वैसे ही मिल रहा है उसके अंदर। अब इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर मैं किसी के अंदर, तो मैं देखूंगा ना कि ये 7 जो मुझे मिल रहे थे बैंक से, मैं वो भी तो सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, या जब हम उसके प्राइस को सेट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें लगाई जाती हैं। अब इससे हम प्राइस का फार्मूला बना सकते हैं कि साहब प्राइस आखिर सेट किए कैसे जाएं, क्या क्या चीजें हैं जो प्राइस के अंदर इंक्लूड की जाए, ठीक है। कौन सा हमने सबसे पहले देखा कि उसके अंदर हमें मटेरियल कॉस्ट लगानी है, मटेरियल कॉस्ट,
ठीक है, मटेरियल कॉस्ट लग गई। उसके बाद हमने क्या दिया था, तो दूसरा क्या था उसके अंदर, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी हमने इसमें लगा ली। एक तीसरा जो अदर एक्सपेंसेस बताए थे, यानी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया। ये तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब इसके अंदर जाहिर है हमें इतना खर्च करने के बाद या इतने एक्सपेंसेस करने के बाद हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको प्रॉफिट मार्जिन से, प्रॉफिट मार्जिन। अब सवाल यह है कि मान लीजिए ये टोटल हमारा, ये जो हमारी कॉस्ट निकल कर आई 10, और हमने जो वो लिया प्रॉफिट लिया, समझ लीजिए हमने जो है वो 7% लिया, तो 0.07 आ गया परसेंट, उसमें हम लेते हैं इसको। अगर ये 7% है, 7% है अगर ये, तो हम इसको फॉर्मूले में जब लगाते हैं तो डिवाइड 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, ये आएगा। इसको आप लेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है उससे भी कम हो जाएगा, इसलिए हम इस पूरे को जो हमारी कॉस्ट है इसको हम 1 मान लेते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को 1 प्लस कर देते हैं। अब ये प्रॉफिट मार्जिन हो, टैक्सेस हो, सब्सिडी हो, उस सब के अंदर हम ये टेक्निक को यूज करते हैं। तो अब हमारा प्राइस निकल के आ गया मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस प्रॉफिट मार्जिन, मैं कितना प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहता हूं। अच्छा, इसी फार्मूले के अंदर जाहिर है आगे हमें कुछ सब्सिडीज भी मिलती हैं, टैक्सेस भी होते हैं कुछ, यानी टैक्सेस होते हैं और सब्सिडीज होती हैं, वो भी हमें इसमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में उसको लगा देंगे। ये जो हमारा मल्टीप्लाई मार्जिन है इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम वापस से फिर से प्लस कर देंगे, और सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 1 प्लस टैक्स और 1 माइनस सब्सिडी को, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्योंकि हमें फायदा होता है तो हम तो उसको माइनस करेंगे ना, टैक्स हमें पे करने होते हैं, और उसके बाद फाइनली फिर लास्ट में हम लगा देंगे 1 प्लस हमारा प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कह लीजिए या अपना मार्जिन कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज हुई, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये जो फैक्टर प्राइसिंग है ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लिए जाते हैं, यानी ब्रॉडली हम फैक्टर प्राइस को 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बल्कि कहिए कि फैक्टर इनकम को, यानी एक तो हमारा होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका बहुत सिंपल है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल, यानी जो इंडिविजुअल के बीच में इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये स्टडी करती है हाउ पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल आर डिटरमिन्ड, किस तरह से हर व्यक्ति की इनकम को हम डिटरमिन करें, दैट इज कॉल्ड ए थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इन इक्वालिटीज है, कहां इक्वालिटीज है। किसी फैक्टर को, किसी आदमी को इनकम मिल रही है 100, किसी को मिल रही है 1000, किसी को मिल रही है 10, ठीक है। यहां जो हम डिटेल में बात कर रहे हैं, जिस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। ये हमारी थ्योरी है बेसिकली, जिसको हम डिटरमिन कर रहे हैं। ये क्या कह रही है, हाउ इनकम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से हम इनकम को वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ये जो हमारी थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या स्टडी करेगी कि हाउ द रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमिन। हमारे रिलेटिव प्राइस होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, मान लीजिए यहां हमने कैपिटल लिया और यहां लेबर लिया,
इतनी लेबर इतना कैपिटल, इतनी लेबर इतना कैपिटल, तो ये क्या रेशियो निकल कर आ रहा है, ये भी हमारी फैक्टर प्राइस थ्योरी ही डिस्कस या स्टडी करती है। ठीक है, यही रीजन है कि हमने इसको नाम ही दिया है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, क्योंकि इसके अंदर हम फैक्टर प्राइसेस के ही फैक्टर प्राइसेस को ही डिटरमिन करते हैं, अलग अलग जितने भी हमारे वेरियस फैक्टर प्राइसेस है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो थ्योरी के जितने भी हमारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट्स हैं, बल्कि इसको कहिए एस्पेक्ट्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये एक पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी प्रोडक्शन के ऊपर, मैं उसमें इसको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हम फिर यहां इसको डिस्कस करेंगे। पहला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, इसको हम लोग एमपीपी भी कहते हैं, एमपीपी। ठीक है, बल्कि मैं लिख लूं पहले, फिर ये चलिए हाथ के हाथ लिखते जाते हैं। तीन होती है ये, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है, फिर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। तो एक एक को लेते हैं, डिस्कस करते चलते हैं हाथ के हाथ। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, नाम अपने आप को बता रहा है, फिजिकल यानी हमारा जो प्रोडक्शन फिजिकल फॉर्म में है, जो प्रोडक्शन हमें रखा हुआ दिख रहा है, और मार्जिनल यानी जो एडिशन दिया है, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। एक ये हमारा प्रोडक्शन था, ये प्रोडक्शन मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन, और इतनी लेबर ने ये प्रोडक्शन किया था, ये हमारी लेबर हो गई। ठीक है, अब हमने एक लेबर और बढ़ा दी, इस लेबर ने कितना प्रोडक्शन दिया, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए ये हमारी, हम इसको कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे जो प्रोडक्शन है फिजिकल फॉर्म में, उसको मेजर करती है। एग्जाम्पल, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए इसी को हम मान के चलिए कि 10 लेबर है हमारी, और उस 10 लेबर ने 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये 10 हो गई और इसने 100 निकाला। ठीक है, अब ये एक लेबर हमने बढ़ाई और इस एक लेबर ने जब ये बढ़ी, यानी ये हमारी 10 लेबर थी, हम ऐसा करें इसको 11 कर लें, तो हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है, से फॉर एग्जांपल, वो 115 हो गया, 11 पर 115 हो गया। इसका क्या मतलब है, जो हमारी सिक्स्थ यूनिट है उसने कितना दिया, राइट, ये जो हमारी इलेवेंथ यूनिट आई है उसने 15 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया है। इसी से हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, इसी से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होगा, क्या निकाल रहे हैं हम, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। हमने किस किस चीज को लिया है, सबसे पहले हमने यहां पर लिया है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, वो क्या होगा हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन यूनिट से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी पहले की क्वांटिटी है, यानी ये तो टोटल हो गई ना, लेकिन अब पहले वाली निकालनी होगी, ये टोटल है, अगर इसमें से टोटल लेंगे तो ये वाली पहले हम माइनस करेंगे तभी तो ये मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम जो हमारा टोटल आगे वाला है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एन माइनस वन आइटम को हम निकाल देंगे, तो हमारे क्या मिल जाएगा, ये हमारा टोटल हो गया, ये हमारा एन माइनस वन आइटम हो गया, और ये हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये एन बता रहा है अभी वाला प्रेजेंट जो है 115, और एन माइनस वन इससे पहले वाला, यानी इस पीरियड में जो हमारा 100 था। ठीक है, ये हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर।
दूसरा मैंने क्या बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। एमआरपी कर लीजिए इसको हम लोग। देखिए वहां पर हम फिजिकल प्रोडक्ट को देख रहे थे, अब इस फिजिकल प्रोडक्ट को बेचकर कितना रेवेन्यू मिला, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। हमने यहां कहा कि साहब इतना प्रोडक्ट पहले था, एडिशनल लेबर बढ़ाने से इतना प्रोडक्ट हमें और मिला, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहां पर निकलकर आएगा हमारा टोटल अमाउंट वो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कितना रेवेन्यू हमें इस एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने के बाद मिला है। इसीलिए इसको हम कहते हैं एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल, और कोई चीज चेंज नहीं हो रही। यहां हम फिजिकल टर्म में इसको यूज कर रहे हैं और यहां हम रेवेन्यू टर्म में इसको यूज कर रहे हैं, यानी मॉनेटरी टर्म्स में इसको हम यूज कर रहे हैं। यही सिंपल सिस्टम है बस, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कितना, जैसे मैंने बताया कि ये टोटल है जो आज बचा इस प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट को इसके रेवेन्यू से, रेवेन्यू क्या है, प्राइस कर दीजिए, तो क्या होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैन बी टेकन बाय मल्टीप्लाइंग दी मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय दी मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और प्राइस कर लीजिए इसको, जो आप हम प्राइस आते हैं, हमें एमआरपी क्या चीज है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एमपीपी क्या हो गई हमारी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। वही वाला एग्जांपल लीजिए कि साहब एक एडिशनल जो लेबर था उसने, एक एडिशनल लेबर हमने किया, ये से है टोटल, ये एडिशनल लेबर हुआ, इसने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, ठीक है, और हर यूनिट का प्राइस 20 था, तो ये कितना हो गया, 200 हमारा निकलकर आ गया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये हमारा फिजिकल प्रोडक्टिविटी हो गई, ये हमारा प्राइस हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरी बचता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बार बार लिख रहे हैं, आपको बताऊंगा एमपी जो लिखा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर्स। और हमें कैसे मिलेगा, बाई मल्टीप्लाइंग दी मार्जिनल प्रोडक्ट बाय विद दी कम्युनिटी मार्केट प्राइस। जो मार्जिनल, जो हमने यहां किया था वही है, जब हम उसको वैल्यू फॉर्म में बात करते हैं तो हम इसको वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं। यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड एवरेज रेवेन्यू। वहां हम लोग बात कर रहे थे प्राइस की, टोटल रेवेन्यू, यहां हम एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे, खाली वैल्यू ऑफ मार्जिनल लिखा मैंने, हाँ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो इसके लिए हमें एमपीपी के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा एवरेज रेवेन्यू को, ठीक है। अब मान लीजिए जो एडिशनल लेबर है उसने 5 यूनिट प्रोड्यूस किए, ठीक है, और प्राइस कितने हैं, 25, तो 25 5 यानी अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और फर्म क्योंकि हमारी परफेक्ट कंपटीशन में, इसको बात याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर हम जो एग्जांपल लेके चलते हैं उसमें हम परफेक्ट कंपटीशन लेके चलते हैं, तो हर यूनिट यानी किसी भी यूनिट को सेम प्राइस पर बेचा जाएगा, और अगर सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है तो आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, और वही आपके प्राइस होंगे, ये मानकर हम चलते हैं। क्योंकि अच्छा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो होता है वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है, वैल्यू, ये
पुराने वाले भी ले लेते हैं, इसको आप देख लीजिएगा कर लिया, वैल्यू ऑफ मार्जिन, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो होगा वो आपका, वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा, ठीक है। और अगर आप बात ले लीजिए साहब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात ले लीजिए, तो फिर आप मान के चलिए हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। आपको याद होगा हम लोग इस तरह का बनाते हैं, ये एवरेज रेवेन्यू हुआ और ये मार्जिनल रेवेन्यू हुआ, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी आ जाता है, ये देखा होगा आपने, हम लोग काफी चीजों में इसको बनाकर चलते हैं। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है वो ग्रेटर ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्लार्क वर्जन का, इसी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पर क्लार्क का क्या स्टैंड रहा, उन्होंने इसमें क्या किया, तो एक्चुअली कहेंगे क्लार्क्स वर्जन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मैंने फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको फुल लिखिएगा, ठीक है। ये इनका पूरा नाम जेबी क्लार्क थे, ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे और काफी पहले से ये इसके ऊपर काम कर रहे थे, काफी इन्होंने आर्टिकल पहले भी लिखे थे इसके ऊपर, डेवलप किए थे, लेकिन एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो बाद में इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दिया गया, यानी एक्सप्लेनेशन एक किया गया डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि प्राइस ऑफ एनी इनपुट इज डिटरमिंड अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इनपुट। किसी भी इनपुट के प्राइस को हम किस तरह डिटरमिन करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस इनपुट के मार्जिनल एडिशन ने कितना प्रोडक्शन दिया है। यहां तक जैसे हम चल रहे थे कि पहले से था ये इनपुट बढ़ा, इसने कितना आउटपुट दिया है, इसकी वैल्यू से हम उसकी वेज को डिटरमिन करते हैं, यानी वेज रेट को डिटरमिन करते हैं। तो वेज रेट डिटरमिन किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, या उसको मोर स्पेसिफिक कहिए आप वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जो हम पहले बार बार पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना दिया है इसने, उससे ही हम पता लगाएंगे कि उसकी वेज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम थ्योरी में चलें और हम बात करें कि साहब हम ये मानकर चलें कि हमने सारी इनपुट्स को फिक्स किया हुआ है, सिर्फ लेबर को वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, सारी इनपुट फिक्स है, सिर्फ लेबर को हमने वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। और हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारी इस थ्योरी के अंदर जो अजम्पशन है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है, ठीक है। जब हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होगी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसलिए हम इसको हम एल लगाएंगे, वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी। और ये क्या है हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसकी इक्वल होगी जितना हमारा यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जितने का हम बेचेंगे उतने का रेवेन्यू हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए और यही हमारी वेज डिटरमिन हो रही है, यही हमारी वेज डिटरमिन हो रही है। यानी एक कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म उस वक्त तक लेबर इंप्लॉय करती रहेगी जब तक उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल ना हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के। और यही हमने उसमें बाकी हम मार्केट की किसी के भी नहीं, इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि जो उसका मार्जिनल है वो एडिशन है उसका वो रेवेन्यू के बराबर हो जाए। यानी अब फर्म जो है वो ऐड करती जाएगी लेबर को, ऐड करती जाएगी, कब तक, जब तक एडिशनल लेबर जितना प्रोडक्ट दे रही है वो प्रोडक्ट इतने रेवेन्यू में ना बिक जाए, वहीं पर वेज डिटरमिन हो जाती है। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड दैट इज इक्वल टू वेज, ये एक फार्मूला टाइप का बन जाता है, ठीक है।
और जो हमारी क्लार्क की थ्योरी है, क्लार्क की थ्योरी का बेसिकली यही एसेंस है, क्लार्क की थ्योरी पूरी इसी पर बेस करती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, तो मैं टाइम बचाने के लिए अजम्पशंस को पहले लिख लेता हूं, फिर उसको डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज उसमें वक्त लगता है कि एक लिखूं डिस्कस करूं। ठीक है, तो एक मिनट दीजिए। ओके, तो मैंने अजम्पशंस लिख लिए हैं। ये अजम्पशंस इस थ्योरी के, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट एंड इनपुट मार्केट, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। दूसरा, होमोजीनियस एंड सब्स्टिट्यूटेबल इनपुट, जो हमारी इनपुट है वो सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है एक दूसरे से और होमोजीनियस है। थर्ड, इनपुट्स आर परफेक्टली मोबाइल, जो हमारी इनपुट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, एक प्रोडक्ट से दूसरी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जा सकती हैं, फिक्स नहीं है किसी के साथ। देयर एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जब सारी रिसोर्सेज को उनके लेबर के हिसाब से या उनके यूज के हिसाब से बांट दिया जाए तो और कुछ नहीं बचता है, सारा एग्जॉस्ट हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है यहां पर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट करता है, आप इनपुट बढ़ाइए आउटपुट बढ़ता है। एम्प्लॉयर कैन मेजर दी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इन एडवांस, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉयर अगर वो मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो इसको कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 7, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स जो है वो कोई सोशल वर्क नहीं कर रही है, फर्म सारी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मार्केट में काम कर रही है। नेक्स्ट, इफ ऑल इनपुट्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट, अगर सारी इनपुट्स को, जितनी भी इनपुट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, हमने यहां पर सिर्फ लेबर को मोबाइल माना है, बाकी फिक्स है, यूज तो हो रही है, हर इनपुट को अगर उसके अकॉर्डिंगली, जितना उसको यूज किया गया उसके हिसाब से अगर उसको पेमेंट कर दिया जाए तो टोटल प्रोडक्ट विल बी एग्जॉस्टेड, यानी नाइदर सरप्लस नॉर डेफिशिट। हमारी इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हमने ये बात करी कि हमारी इकोनॉमी का सिस्टम यह है कि अगर हमने जितनी इनपुट यूज की है हर इनपुट को अगर हम उसके हिसाब से दे दें तो ना हमारे पास सरप्लस होगा ना डेफिशिट होगा, हमारी सारी रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, हम यहां पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो इस बात को याद रखिए कि बायर्स या सेलर्स दोनों में से कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं, गिवन प्राइसेस हैं, उन्हीं पर जितनी भी सप्लाई होगी वो सप्लाई करेंगे। उससे होगा क्या, जो प्राइस ऑफ इनपुट है वो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएंगे, जो हमारे प्राइस हैं इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हो जाएंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वहां पर देखा होगा आपने। ठीक है, यानी जो इनपुट सप्लाई है हमारी वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। कोई भी क्वांटिटी की जाए प्राइस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सब बराबर है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था कि हमारी जो सप्लाई होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, इस थ्योरी को सही से समझने के लिए एक फिगर का यूज हम करते हैं, तो मैं फिगर बना लूं फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, तो फिगर बना ली, बहुत सिंपल फिगर है। देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है, जो हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो हमारे डिमांड ऑफ लेबर के बराबर है, ये हमारी डिमांड आ रही है। और अभी इससे पहले हमने जब अजम्पशन लिए थे उसमें बताया था कि जो हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये हमारी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, यानी आप जब मोर लेबर को इंप्लॉय करते जाएंगे हर एक पर एक एडिशन आएगा तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी आपकी और मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी, तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, वही हमारी सप्लाई हो जाएगी। अब ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये नेगेटिवली स्लोप हमारा जो सप्लाई कर्व है ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए हर हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, कब तक, हमने उस वक्त तक बढ़ाई जब तक हमारी सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं हो गई, यानी हमारी जो सप्लाई ऑफ लेबर है जब तक वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगी। यानी हमने एक और एम्प्लॉय यहां से बढ़ाया, इतना कॉस्ट हमने की,
अब वो कहां पर आ गया, वो हम देख रहे हैं कि उस एडिशनल एक एम्प्लॉय ने हमें इतना रेवेन्यू दिया है जो उसके बराबर है, जो यहां इक्विलिब्रियम पर बराबर हो गया। इक्विलिब्रियम पर बराबर होने का मतलब यह है कि हमारा एडिशनल आदमी जो एडिशनल लेबर थी उसने इतना प्रोडक्ट हमें दिया जितनी हमारी कॉस्ट लगी हुई है, तो यहीं पर हमारे प्राइस और क्वांटिटी ऑफ लेबर हमारी डिटरमिन हो जाती है कि कितनी क्वांटिटी लेबर की हमें रखनी है, और यह हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है। अब फर्म जो है वो ओ एल लेबर को एम्प्लॉय करेगी एट ओ डब्ल्यू वेज के ऊपर, और यहीं पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, या आप उसको कहिए फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग ओ एल अमाउंट ऑफ लेबर एट ओ डब्ल्यू वेज रेट। ठीक है, अब ये जो ओ डब्ल्यू है अगर आप इसको देखें, ओ डब्ल्यू ये एली के तो बराबर है ना, एली के बराबर है। एली क्या है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू हमने अपनी वेज को डिटरमिन कर लिया, यानी वेज इज डिटरमिन बाय वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ओ एल जो है वो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ लेबर है। यस, जब हम ओ एल एम्प्लॉय करेंगे तो उस पोजीशन पर हमारी फर्म्स मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाएगी। अच्छा, अब समझने की बात ये कि साहब ओ एल ही क्यों, अगर फर्म इससे ऊपर नीचे जाती है तो फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकती। से फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि साहब हम इतना एम्प्लॉय करेंगे, अगर आप इतना एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आप इस जगह पर देखिए आपकी सप्लाई यहां है बट आपकी डिमांड यहां है। अगर आपकी डिमांड यहां पर है यानी इस केस में आपकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है और जो प्रोडक्ट वो दे रही है वो इतना ही दे, यानी आपने इतना एम्प्लॉय किया, इतने एम्प्लॉय पर आपको रेवेन्यू इतना ही यहां तक मिल रहा है बल्कि और आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है तो आप उसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये ले लीजिए, यहां पर आप देखिए कि जाहिर है इस जगह पर आपका रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है, यानी आपकी यहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप और एम्प्लॉय करें और अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ा लें। इसलिए ना आप एल से ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे ना एल से कम एम्प्लॉय करेंगे, ये वो पोर्शन है जहां आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, अच्छा हमने अपने एग्जाम्पल में सिर्फ लेबर को वेरिएबल लिया है, बाकी जितनी भी हमारी लैंड लेबर कैपिटल लैंड कैपिटल इंटरप्राइजेस है उसको हमने फिक्स लिया है। तो यहां पर जो हमारी लैंड है ये जो पोर्शन है ये प्रॉफिट है, ये हमारी वेज हो गई, ये प्रॉफिट हो गया, ये रेंट मिल गया लैंड को और ये इंटरेस्ट मिल गया कैपिटल को और ये प्रॉफिट मिल गया हमारे एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना निकल कर आया, जो टोटल हमारा रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर कह लीजिए या टोटल हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ले लीजिए, वो कितना निकल कर आया हमारा ओ ए एल, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, ओ ए एल, इसके अंदर से आप ये वेज है तो ये तो हम आपके एक्सपेंसेस हैं, इसको निकाल दीजिए ओ डब्ल्यू ई एल, ओ डब्ल्यू ई एल क्या बचेगा आपके पास डब्ल्यू ए ई, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका बचा हुआ पैसा है, प्रॉफिट नहीं है, ये आपका पैसा है जो आपने बाकी ये वाला पोर्शन है वो ये पोर्शन आपने बाकी यानी वेज को यहां मिल गया, जो तीन का बच रहा था या तो वो उसमें रेंट था या इंटरेस्ट था या जो बचा हुआ है वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट था, यानी पूरा का पूरा अमाउंट आपका यहां पर एग्जॉस्ट कर गया, ना यहां सरप्लस है ना यहां पर डेफिसिट है। ठीक है, यही थ्योरी यहां पर एक्सप्लेन की है। अब एक चीज देखने की यह है कि हम एक बात देखें, हम यहां पर पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ प्राइस इनपुट की प्राइस डिटर्मिनेशन, लेकिन अगर आप एक दूसरी चीज में देखें तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यहां पर फेल हो जाती है
टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ इनपुट, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि साहब ये प्राइस है तो ये तो या प्री डिटरमिन्ड है या गिवन है। हम यहां पर क्या डिटरमिन कर रहे हैं, बेसिकली अमाउंट ऑफ लेबर हम यहां पर देख रहे हैं। वी आर जस्ट डिटरमिनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द गिवन वेज, वेज ओडब्ल्यू है। तो ये एक क्रिटिसिज्म इसके अंदर आता है। अगर आप इसको माइक्रो व्यू पॉइंट से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि दिस क्लार्क थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रादर देन द थ्योरी ऑफ इनपुट प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी ये जो क्लार्क की थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है बनिस्बत थ्योरी ऑफ इनपुट प्राइस डिटर्मिनेशन के। ठीक है, अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मार्शल हिक्स वर्जन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अभी हमने क्लार्क को पढ़ा, क्लार्क के कंटेम्प्रेरी थे ये अल्फ्रेड मार्शल। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि क्लार्क और मार्शल और हिक्स, मार्शल और हिक्स की थ्योरी और क्लार्क, इन्होंने एक साथ ही काम, एक ही टाइम में काम किया है, इसीलिए उसको हम लोग कंटेम्प्रेरी कहते हैं। यहां पर मार्शल ने लेकिन अपनी डिफरेंट अलग एक थ्योरी दी है। क्लार्क का क्या कहना था कि वेज रेट डिटरमिन होते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, लेकिन दूसरी तरफ मार्शल का कहना है कि वेज डिटरमिनेशन के केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को एज ए वेज थ्योरी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि वेज रेट या कोई भी फैक्टर प्राइस है, कोई भी फैक्टर प्राइस है, वो डिमांड एंड सप्लाई से ही डिटरमिन होंगे। उनको डिटरमिन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों चाहिए। जबकि मार्शल और हिक्स मार्शल का यह कहना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो सिर्फ डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करती है, वो सिर्फ डिमांड साइड की प्रॉब्लम को बताती है, सप्लाई की तरफ नहीं बताती। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं, याद होगा जब मैं क्लार्क की खत्म कर रहा था तो मैंने कहा था कि वहां वेज रेट गिवन है। अगर वेज रेट गिवन है तो कोई भी रैशनल एम्प्लॉयर जो है वो कब तक एम्प्लॉय करेगा? उस वक्त तक करेगा जब तक उसका वेज रेट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर ना हो जाए। लेकिन अगर वेज रेट चेंज होंगे, अगर डिफरेंट वेज रेट होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, और मार्शल का कहना है इसके लिए कि जो रिलेशन है वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वो डिमांड साइड ऑफ द लेबर देगी और वो डिमांड कर्व देता है सिर्फ। यानी ये जो डिमांड है ये आपकी लेबर हो गई और ये आपकी वेज, ये जो आपकी डिमांड है ये आपका डिमांड कर्व भी है और यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यही देती है आपकी। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि हमें ये थ्योरी वेज डिटरमिनेशन कंप्लीट थ्योरी मिले तो हमें अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, और जब ये सप्लाई कब आ जाएगा तो यहां पर बात क्लियर है कि हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा जहां पर हम कह सकते हैं कि इतनी लेबर इतनी वेज पर सप्लाई की जाएगी, ना इससे ऊपर होगा, अगर ऊपर जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो वेज रेट घटेंगे फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अगर आप नीचे सेट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम से तो वहां पर सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस फिर बढ़ना चालू हो जाएंगे और फिर अगेन वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आइडिया है, कहना है मार्शल और हिक्स का। ठीक है, अब यहां पर वेज कहां डिटरमिन हो रहे हैं, जहां पर डिमांड सप्लाई यानी डिमांड इक्वल टू सप्लाई इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। यानी इस जगह पर जाकर अब हमारे प्राइस डिटरमिन हो रहे हैं, तो यह बात क्लियर है कि मार्शल कंसीडर करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल जो है वो वन ऑफ द टू फोर्सेज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन है। यानी वेज डिटर्मिनेशन में डिमांड एंड सप्लाई होनी चाहिए, तो ये वेज को रिप्रेजेंट करती है, डिमांड को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी फोर्स क्या है, सप्लाई। और सप्लाई जब मिल जाती है दोनों तभी हम यहां पर प्राइस को डिटर्मिन, वेज रेट को डिटर्मिन कर पाते हैं। देखिए वेज रेट जो है वो कोशिश करती है मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर आने के लिए, लेकिन काफी टाइम ऐसा होता है कि वेज रेट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिटर्मिन नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि मार्जिनल क्वांटिटीज या मार्जिनल प्रोडक्ट खुद ही प्राइस के साथ मिलकर डिमांड और सप्लाई को डिटर्मिन करते हैं, तो वो
वो अपने आप को कैसे कर लेंगे, ठीक है। और फिर फर्दर जो है मार्शल और हिक्स ने कहा कि जो सप्लाई है, सप्लाई कब है, देखिए उसमें क्या था, क्लार्क में सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक था, है ना, लेकिन यहां हिक्स और मार्शल एंड हिक्स कहते हैं कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, जो क्या बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे सप्लाई बढ़ेगी, ये आइडिया है। तो ये चीज यहां समझने की है मेन कि क्या डिस्टिंक्शन है। अब मार्शल ने क्लियर कट डिफरेंस दे दिया बिटवीन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एज ए कंप्लीट थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, यानी जो कंप्लीट थ्योरी है वो मार्शल और हिक्स ने खुद दी है, जहां पर सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो सिर्फ डिमांड है, और दूसरी क्लार्क की थी जो कहते थे कि सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जहां पर डिमांड जिस प्राइस के बराबर होगी वहीं पर प्राइस या वेज रेट डिटरमिन कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से फैक्टर प्राइस वेज रेट हो, लेबर हो, रेंट हो, लैंड हो, कुछ भी हो, वो सब डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से डिटरमिन किए जाते हैं और वो इक्वल होते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर, ठीक है। अच्छा, यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि क्लार्क और मार्शल के वर्जन में ये डिफरेंस नहीं है, या कह लिए यही डिफरेंस नहीं है कि क्लार्क ने डिमांड साइड ली है और सप्लाई को इग्नोर किया है और मार्शल ने दोनों को ले लिया है, नहीं, बल्कि रियल डिफरेंस क्या है कि क्लार्क ने कंसीडर किया है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, ये क्लार्क का कंसीडर, जबकि मार्शल ने इसको अपवर्ड स्लोपिंग लिया है जो बताती है कि साहब प्राइस अगर बढ़ेंगे या वेज रेट अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यही मेन डिफरेंस है इन दोनों की थ्योरी का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एडिंग अप थ्योरम। इस एडिंग अप थ्योरम को हम लोग प्रोडक्ट एग्जॉस्टन थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम लोग जनरली एग्जाम्पल के अंदर लेबर और कैपिटल को लेकर चलते हैं, मगर कहती है कि जितने भी हैं लेबर कैपिटल ले रहे हैं हम, लैंड भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उनको उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से पे किया जाए, यानी वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्जिनली जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उतना अगर उनको दे दिया जाए तो आपका टोटल प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको एग्जॉस्टन थ्योरम भी कहा जाता है। ये थ्योरम जब ये बात आई तो फिर इसके ऊपर एक सीरियस डिबेट शुरू हो गई, एक सारे इकोनॉमिक्स में एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या ये अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर दें तो क्या एग्जैक्टली टोटल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट कर जाएगा। यानी एग्जांपल ले लीजिए साहब, हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो 50 है और हम कह रहे हैं कि उसके अंदर लेबर लगी है और कैपिटल लगा हुआ है, तो यानी हम ये मान के चलें कि ये 30-20 होगा, 25-25 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन इतना आएगा, जो हमारा टोटल है जब इसमें डिवाइड किया जाएगा लेबर में और कैपिटल में तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको एडिंग अप प्रॉब्लम कहा गया। और प्रोडक्ट एग्जॉस्टन क्योंकि यहां पर हमारा प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाता है जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्हीं की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अब जो बहस छिड़ी है वो ये छिड़ी है कि ये तो एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी हो गई ना, एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी बन के आई, तो क्या ये सही है? अकाउंटिंग आइडेंटिटी क्या है कि यू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर है, लेबर, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आइडेंटिटी बनकर आ गई। अब इस पर बहस चल रही है सारे इकोनॉमिस्ट के अंदर कि क्या ये ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। अब अगर आप इसकी आइडेंटिटी बनाए तो क्या होगी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आप किसी भी की प्रोडक्ट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो उस क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ये आपका टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकल आई। अब इसमें कौन कौन सा है, वैल्यू ऑफ लेबर, यानी आप वेज को
लेबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी आइडेंटिटी निकलकर आई जिससे कि आप टोटल प्रोडक्ट को पा सकते हैं। अब एक चीज है, अब जब आप इसको करने के, अब क्या करना होगा आगे, इसको हमें एक वो बनाना होगा, आइडेंटिटी बनानी होगी यूनिटी के लिए, यानी एडिंग टू द यूनिट, शेयर्स एडिंग टू द यूनिटी। यूनिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां वन तो होता ही है तो हम यहां वन छोड़ दें इक्वल टू, और पी क्यू को हम इधर ले आए, डब्ल्यू एल अपॉन पी क्यू प्लस आर के अपॉन पी क्यू। ये आपकी एडिंग अप थ्योरम और प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बना लीजिए कि वन इक्वल टू या शेयर ऑफ लेबर और शेयर ऑफ कैपिटल, यानी वन इक्वल टू शेयर ऑफ लेबर प्लस शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये आपकी एक थ्योरम बन गई जो यूनिटी में आ रही है। यहां पर आप मानिए कि ये कह रही है वन का क्या मतलब है, यूनिटी हम क्यों लेके आए, क्योंकि वो ये बात बताना चाह रहे हैं हम कि कैपिटल को अगर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पे किया जाए और लेबर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लिए के हिसाब से पे किया जाए तो उन दोनों को प्लस करने से वन आएगा। यानी फैक्टर पेमेंट जो है वो अगर अपनी ही मार्जिनल प्रोडक्टिव जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे दिया है तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है हमारी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फैक्टर प्राइस को डिटरमिन करती है, और वो भी जो उसकी बेसिक आइडेंटिटी को, बेसिक आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। बेसिक आइडेंटिटी क्या है, हम तो मान के चल रहे हैं ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ही हमारी इनकम है। कैसे, हर फैक्टर को हमने दो लिए हुए, लेबर को उसकी वेज मिल गई, कैपिटल को उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो दोनों को उनकी इनकम मिल गई, यही हमारा टोटल प्रोडक्शन था, यही टोटल प्रोडक्शन है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी यही है। यानी हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, कभी इस वर्ड्स में कभी इस वर्ड्स में, तो क्या ये डिटरमिन करती है, देखिए उसका बहुत सिंपल सेम, फिर बाद में रिपीट कर रहा हूं, सेम आंसर इसका ये है कि जितना भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने फिजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, यानी फिजिकल आउटपुट एग्जॉस्ट कर जाएगा बाय पेइंग ईच फैक्टर इट्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, हर फैक्टर को उसके फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर पे कर दीजिए। यानी सिंपल बात है, जिस फैक्टर ने जितना प्रोड्यूस किया है उसको उतना दे दो तो आपका पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। अब सवाल एक ये पैदा होता है कि हम इस क्वांटिटी को वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो वैल्यू निकालने के लिए हमारी क्वांटिटी की क्या आएगी, पहले तो हम फिजिकल प्रोडक्ट देखें कितना है और फिर हम उस फिजिकल प्रोडक्ट की वैल्यू को देखेंगे। तो फिजिकल प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी हमारी क्या है, टोटल क्वांटिटी हो गया हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर से, ठीक है। इसी तरह से प्लस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल, ये आपका बनकर आ जाएगा, यही तो आपकी टोटल आउटपुट निकल के आया है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप वैल्यू निकालने के लिए इसी को हम, अगर हम उसको इक्वेशन मान ले, मैंने इक्वेशन शुरू से डालता नहीं, चल रहा हूं उसमें भी डाल, कोई भी इक्वेशन मानिए, तो इस इक्वेशन को हम पी से यानी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, क्यू इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाई पी एंड मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। अब हमने इनके सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो क्वांटिटी निकल के आई है, क्योंकि अब हमने इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये वैल्यू निकल कर आ गई, यानी वैल्यू ऑफ जी फिजिकल प्रोडक्ट है, क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, क्यू या पी क्यू कर लीजिए इसको, क्या निकल कर आया, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, यानी ये थ्योरी अगेन, ये जो इक्वेशन है अगेन, ये यही बात कह रही है कि हर फैक्टर को अगर आप उसके मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से पे करिए तो पूरी की पूरी वैल्यू टोटल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट कर जाएगा. यानी अब हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इट लीड्स टू दी करेक्ट एडिंग अप ऑफ दी फैक्टर शेयर्स. ये वाकई अगर हम फैक्टर शेयर्स को एड कर दें तो टोटल आउटपुट निकलता है, तो ये करेक्ट एडिंग अप थ्योरम या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं किस तरह से विकस्टीड ने इस ये यूलर्स की प्रॉब्लम को किस तरीके से पोज किया और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया. एयलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए विकस्टीड ने मैथमेटिकल प्रोपोजिशन को अप्लाई किया है. और वो थ्योरम क्या है, हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से पे कर दें तो हमारा टोटल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट कर जाएगा. यहां फिर हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे और ये एग्जांपल जो मैंने लिया है ये मैंने योर आर्टिकल लाइब्रेरी की वेबसाइट से लिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उसमें जाकर देख लीजिए. अब हम लोग यहां लेकर चलेंगे, इस मॉडल में हम लेके चलेंगे तीन फैक्टर्स, सिर्फ हम यहां पर तीन फैक्टर्स को ही एग्जांपल लेके चलेंगे. इससे पहले मैं दो लिए थे. देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत होते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हम दो या तीन ले लेते हैं. यहां हमने दो लिए हैं, एक लिया है हमने ए, वो लेबर है हमारा, बी जो है वो कैपिटल है और सी जो है वो लैंड है. ये तीन हम लेके चले और जाहिर है क्यों हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, क्यों हमारा टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्ट जो भी आप ले लीजिए उसको. ठीक है, अब इसके हिसाब से जब हम अपनी एडिंग अ प्रॉब्लम को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वांटिटी आ गई, उसमें याद कीजिए हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को लिया था लैंड का और कैपिटल का, यहां हम तीन ले रहे हैं तो एबीसी ले लेंगे उसको, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए है ना, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कितना है वो हमारे पास, कितना लेबर है उस लेबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, प्लस इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय बी और इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय सी. ठीक है, ये हमारी एडिंग अ प्रॉब्लम बनकर आ गई. ये क्या कह रही है कि जब हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड लेबर को यानी ए को उसके हिसाब से दे दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट बी यानी कैपिटल को बी के हिसाब से दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कितना भी हमने लिया था, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सी यानी लैंड हमने कितनी ली थी उसके हिसाब से उसको दे दिया, यानी जिसमें जितना टोटल प्रोडक्ट के अंदर शेयर किया था उतना हमने उसको वापस दे दिया. ठीक है, अब आप याद कीजिए, अगर आपने पहले पढ़ा होगा, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके लिए फिर अलग से उसको एक डिफाइन करना पड़ेगा. ये बात आप याद रखिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी एक्सप्लेन कर देते हैं. अब अगर हम ये कर रहे हैं तो अब इन मार्जिनल प्रोडक्ट को हम इनका डेरिवेटिव्स ले लेंगे. ठीक है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यानी टोटल से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल बन जाता है. अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर आप ले लें, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये क्या है, हमने यहां क्या किया हुआ है, इसको ए है, सिर्फ लिख दे रहा हूं मैं ताकि हमें याद रहे. इसका क्या हो जाएगा अपना डेल्टा डब्ल्यू अपॉन किस चीज का निकाल रहे हैं हम, लेबर का. लेबर क्या है, ए, डेल्टा ए. बिल्कुल इसी तरह से हम निकाल लेंगे इसके कैपिटल का, ये हमारा बी है तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा के, और इसी तरह से हम निकाल लेंगे इसको सी का, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यहां के नहीं आएगा, सॉरी बी बी और यहां डेल्टा सी. ठीक है, अब हमारे पास न्यू आइडेंटिटीज निकल कर आ गई, यानी हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लिया.
टोटल से जब भी हमको मार्जिनल निकालना होगा तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसके हिसाब से अब जो हमारी ये थ्योरम है, ये थ्योरम दूसरी तरीके से बन जाएगी। अभी क्यू इक्वल टू, अब जाहिर है देखिए हमारे पास ये a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां इसकी जगह आ जाएगा हमारा डेल्टा w डेल्टा a अपॉन डेल्टा a। बिल्कुल इसी तरह से b की जगह हमारा b रहेगा और यहां पर आ जाएगा अब डेल्टा w अपॉन डेल्टा b, और बिल्कुल इसी तरह से c डेल्टा w अपॉन डेल्टा c। अब ये आपकी नई एडिंग अप प्रॉब्लम बनकर आ गई, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे शेयर्स ऑफ रेस्पेक्टिव फैक्टर्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट के अंदर लैंड लेबर का कितना है, कैपिटल का कितना है और लैंड का कितना है, ये सारे शेयर्स हमें ये जो फिगर्स हैं ये बता रही हैं, ठीक है। अब अगर फिर हम एलर्स की थ्योरम को देखें तो वहां पर अब हमारा एक नया फंक्शन बनेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एलर्स का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब है, हम पुराना वाला ले रहे हैं अपना फंक्शन ऑफ लैंड लेबर और कैपिटल होगा, लेबर कैपिटल लैंड होगा, इसलिए इनकी जगह पर हम ले लेते ए बी और सी, यही फंक्शन है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल यही वाला फंक्शन होगा, ठीक है। अब आप ये देख के चलिए कि अगर ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है और फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है तो इसके अंदर कोई भी चेंज अगर आएगा इनपुट्स में तो वो सीधा चेंज आउटपुट में भी आएगा। जैसे हम अगर मान के चलें कि साहब हमने n a में बढ़ा दिया, n b में बढ़ा दिया और n c में बढ़ा दिया, ठीक है, तो हर हाल में q में भी n बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक है, ठीक है। यानी टोटल सम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ फैक्टर यही निकल कर आएंगे, ये हमारे अमाउंट ऑफ फैक्टर्स बनकर आ रहे हैं n n n n, और ये हमारे फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने कहा, हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि साहब हमारी जो एलर्स की थ्योरम है वो लीनियरली होमोजीनियस है, फर्स्ट डिग्री है, अब वो कह रहे हैं कि लीनियरली होमोजीनियस है, अगर लीनियर होमोजीनियस है तो इसी को हम दोबारा अगर लिखेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा, क्या ये तो हमारा ए बी सी है ही, ए बी सी है ही हमारे, है ना। अब यहां पर हमने जो एन लगाए हैं ये एन क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं, यही तो हैं, दोबारा इन्हीं मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू को आप फिर ले आइए, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा सी, ये फिर से एक आइडेंटिटी बनकर आ गई। हमने क्या किया है कि ये जो हमारी एक आइडेंटिटी थी इसको जब हम लेकर आ रहे हैं कि ये लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है तो हमने इसकी ए बी सी जो फैक्टर्स हैं उनको तो ले ही लिया, और जो एन की वैल्यूज थी उनको हमने उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप इसको और इसको दोनों को देखें तो ये दोनों सेम है? यही तो विक्सटीड ने प्रूफ किया था, विक्सटीड ने प्रूफ किया कि ये जो है ये उसका है, एलर्स का, और जब वो इसको एक होमोजीनियस प्रोडक्ट फंक्शन को लेकर आए और उस होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को डेरिवेटिव से, पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस करें तो वही आपका फंक्शन बनकर आ जाता है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि एलर्स थ्योरम के अंदर एबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन एग्जॉस्टम को एक्सप्लेन कर सके। यानी हाँ, ये विक्सटीड ने कहा कि एलर्स की थ्योरम के अंदर अगर वो कह रहे हैं कि साहब अगर हर प्रोडक्ट को उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्जिनल प्रोडक्शन के हिसाब से पे किया जाए तो टोटल प्रोडक्शन एग्जॉस्ट कर जाएगा, ये सही है, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होना चाहिए ऑफ द फर्स्ट डिग्री।
ठीक है। तो इसी तरह से विकस्टीन ने एडिंग अ प्रॉब्लम को प्रूव किया, अज्यूमिंग कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड अप्लाइंग एयलर्स थ्योरम। ठीक है, और एयलर्स थ्योरम क्या है, मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूं, बार बार एक ही बात को कहना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसके फैक्टर को पे कर दीजिए तो आपका प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक छोटा सा है। देखिए ये जो इसकी विकस्टीड की जो सॉल्यूशन है, काफी मैंने काफी अलग अलग जगह देखे, मुझे सबसे इजी ये वाला दिखा, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो जाहिर है आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको आइडिया देना चाह रहा था यहाँ का, किस तरह से एयलर्स थ्योरम को यूज करके विकस्टीड ने प्रूव किया कि ये थ्योरम सही कह रही है। ठीक है, तो इससे मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो मैंने पहले बनाई थी, काफी पहले बनाई थी और मैंने पोस्ट की हुई है, ज्यादातर लोगों ने देखी हुई भी है उस पर, तो मैंने उसी वीडियो को यहां पर यूज कर लिया, क्योंकि एक वीडियो पहले से बनी हुई थी तो दोबारा एक लंबी वीडियो बनाने का कोई रीजन नहीं दिख रहा था मुझे। तो अब जो आगे आप इसको कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे वो वही वीडियो को मैंने दोबारा पोस्ट कर दी है। ठीक है, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन जो कैपिटल लेबर यानी इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करे, लेबर और कैपिटल को जीडीपी में ट्रांसफॉर्म करे, उस फंक्शन को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक ये कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। बेसिकली ये कॉब डुगलस एक आदमी नहीं है, कॉब अलग है, डुगलस अलग है। जो ये डुगलस है, बेसिकली इनका पूरा नाम पॉल डुगलस है, ये एक यूएस के सेनेटर थे, और दूसरे जो है वो है चार्ल्स कॉब, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, दोस्त थे ये दोनों आपस में। तो हुआ ये था उस वक्त कि पॉल डुगलस ने एक डेटा को स्टडी किया, डेटा देखा पीछे का काफी डेटा, और उन्होंने एक सरप्राइजिंग चीज ये देखी, उन्होंने देखा कि जो जीडीपी के अंदर कैपिटल और लेबर का शेयर है वो कॉन्स्टेंट है। ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग थिंग उन्हें लगी कि काफी पीछे से अगर डेटा को स्टडी करिए कई सालों का, लेकिन ये जो एक शेयर है कैपिटल का और लेबर का, ये शेयर उन्हें कांस्टेंट दिखा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए 100 है हमारा जीडीपी, और जीडीपी 100 हमें कैपिटल का मिल गया और 40 लेबर का मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये 200 हो गया, अगले साल जाहिर है इकोनॉमी डेवलप करती चली जाती है, 200 का हुआ तो ये 120 हो गया, ये 80 हो गया, यानी जो रेशो है वो उन्होंने कहा कि ये रेशो जो है और ये जो शेयर है दोनों का ये कांस्टेंट ही चलता चला आ रहा है। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कांस्टेंट है, इस बात को लेके उन्होंने अपने दोस्त जो चार्ल्स कॉब थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उनसे कहा कि क्या कोई ऐसा एक फंक्शन हो सकता है जिसमें के दोनों चीजें यानी ये दोनों लेबर और कैपिटल दोनों का शेयर हर साल कांस्टेंट ही चलता चला जाए, हर साल हमारे फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्ट लेते जाएं, हर साल हर महीने हर टाइम जब भी प्रोडक्शन हो मार्जिनल प्रोडक्ट मिले उसमें से भी उन दोनों का शेयर कांस्टेंट रहे। और उसमें उन्होंने कहा कि एक ये प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए उसके अंदर कि जो जैसे मान लीजिए शेयर दोनों का होगा, हमारी कैपिटल इनकम का भी होगा और लेबर का भी, तो कैपिटल इनकम कौन सी होगी, हमारी कैपिटल इनकम जो हमारा मार्जिन होता है, बेसिकली एडिशनल जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें जो प्रोडक्शन में हिस्सा आएगा लेबर इसका कैपिटल का, वो मार्जिनल पोर्शन कहलाएगा उसका, यानी उसका जो शेयर है वो उस मार्जिन में कितना है ये कहलाएगा, तो उसका क्या है ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम करेंगे क्या टोटल निकालने के लिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल से, ये तो सिंपल है, आप पहले सारी फंक्शंस में पढ़ते चले आ रहे होंगे। ये जो निकल कर आएगा इसको हम कहेंगे अल्फा वाई। ठीक है, अभी अल्फा क्या है पहले मैं दूसरा बताऊंगा, फिर दोनों को एक साथ में आपको समझाऊंगा कि अल्फा क्यों लगाया है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा लेबर की इनकम हो जाएगी, लेबर की इनकम सेम वही होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय लेबर इज इक्वल टू 1 - α y। ठीक है, अब देखिए यहां इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि अल्फा और 1 - α ये क्या है। देखिए बेसिकली
जो हमने यहां किया, ये मार्जिनल हमारा पोर्शन है इसका, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो ये बता रहा है अल्फा कि इस टोटल जीडीपी के अंदर कैपिटल का पोर्शन कितना है, अल्फा है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि यहां पर 1 माइनस अल्फा क्यों आ गया। फिर आप ये मान के चलिए कि पूरा जो पोर्शन है, पूरी जो इनकम है वो 1 है, उस 1 में से एक हिस्सा अगर कैपिटल ने ले लिया तो बचा हुआ हिस्सा ही तो इसको लेबर को मिलेगा। तो यानी जो इसका बचा हुआ हिस्सा है 1 माइनस अल्फा वाई, वो पोर्शन लेबर का हो जाएगा। आप इसको देखिए, अल्फा, ये अल्फा है प्लस 1 माइनस, इसको अल्फा ही बनाए, ये ना बनाए, 1 माइनस अल्फा। आप इसको खोल लीजिए, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, हाँ प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, 1 ही है ये, सिर्फ हमने यहां अल्फा लिख दिया तो यहां उसको 1 माइनस अल्फा कर दिया। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 माइनस अल्फा कहां से आ गया। ये बेसिकली सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि 1 एक है हमारे पास है, प्रोडक्शन है, उसमें से अगर एक पार्ट अल्फा हो गया तो दूसरा पार्ट 1 माइनस अल्फा होगा। बेसिकली ये अल्फा आपको इस टोटल इनकम में से ये बता रहा है कि, अल्फा बता रहा है कि कैपिटल का कितना पोर्शन है उस टोटल जीडीपी में से, और 1 माइनस अल्फा बता रहा है कि इस जीडीपी में लेबर का पोर्शन कितना है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर जो फंक्शन बनकर आया फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर इक्वल टू ए, ये ए अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं समझा दूं, लिख दूं पूरा, उसके बाद बताता हूं कि ये ए क्या है। ठीक है, उसके बाद ये है कैपिटल का पार्ट अल्फा, अल्फा और लेबर का पार्ट 1 माइनस अल्फा। ये तो कॉर्पोरेट प्रोडक्शन फंक्शन है, आपने लिखा, बार बार देखा होगा। ये ए जो है ये बेसिकली स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर हम इस ए को नहीं लिखेंगे तो स्टडी के दौरान अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो प्रोडक्शन तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो हम डिफाइन करके चलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, अगर इसमें चेंज आएगा तो दोनों के शेयर में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए हम रखते हैं। अब ये फंक्शन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो इनका, अच्छा ये कहां से आया है, ये आपने पूरे हमारे जो पहले फंक्शन है उसी पर बेस होता है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल और लेबर, ये फंक्शन आपने पढ़े होंगे पहले, तो उसी को हमने यहां पर इससे लिया है। हालांकि कुछ जगह आप लोगों ने ये फंक्शन ऐसे भी लिखा देखा होगा, क्यू इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी वही क्वांटिटी है जिसको हम इनकम कह रहे हैं, प्रोडक्शन है। वहां वो यहां 1 माइनस अल्फा कर दिया, लेकिन यहां ये बीटा भी आपको इस लेबर का शेयर ही बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी फंक्शन आपको मिल सकता है, सेंस एक ही होना चाहिए कि ये दोनों फंक्शन आपको सिर्फ यही एक बता रहे हैं कि जो टोटल जीडीपी है उसमें आपके कैपिटल का कितना शेयर है और लेबर का कितना शेयर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल जीडीपी जो है या तो लेबर से बनती है या कैपिटल से, तो दो ही शेयर इसके अंदर है। तो ये फंक्शन हमें ये बता देता है कि दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा इस फंक्शन के हिसाब से कांस्टेंट चलेगा, जितना इसका होगा उसमें जितना बचेगा वो लेबर का हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन काफी पहले डेवलप किया गया था, लेकिन अपनी एक्यूरेसी की वजह से आज भी ये यूज किया जाता है। और हां, इस बात को याद रखिएगा कि ये जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, तभी तो 1 के अंदर दोनों का शेयर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अल्फा हमेशा, जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, निगेटिव नहीं होगी या 1 से ऊपर नहीं जाएगी। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखें, उससे हमें आइडिया होगा कि ये किन किन प्रॉपर्टीज पे काम करता है। पहले तो हम सिर्फ ये देखें कि क्या ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर काम करता है, कांस्टेंट
रिटर्न टू स्केल। क्या मतलब? जितनी आप इनपुट देंगे उतनी ही आउटपुट आपको देगा ये। जिस प्रोपोर्शन में आप अपनी इनपुट को बढ़ाएंगे क्या आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा? लेबर और कैपिटल को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में आप बढ़ाएंगे तो आपको आउटपुट भी क्या उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा? इसके लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जेड और हम पूरे फंक्शन को दोनों साइड में जेड से मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि क्या अगर हम जेड की क्वांटिटी के हिसाब से इनपुट को बढ़ा रहे हैं क्या आउटपुट भी हमें जेड के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है? के एल इक्वल टू ए के अल्फा और एल वन माइनस अल्फा। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन है। अब हम इसमें दोनों साइड में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। फंक्शन जेड के जेड एल इक्वल टू ए, अब ये इसके के साथ जेड लगाएंगे, पहले जेड के वैल्यू अल्फा आएगी और इसी तरह से जेड एल वैल्यू आ जाएगी वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब सिर्फ इन ब्रैकेट्स को खोल मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा ऐसे ही। ए जेड अल्फा के अल्फा, इसी तरीके से जेड वन माइनस अल्फा, जेड वन माइनस अल्फा एल वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब सिर्फ जेड की वैल्यूज को, दोनों जेड की वैल्यूज को एक जगह लेकर आ जाएंगे, बाकी यू इधर का भी, इधर वाले ये भी सेम है। ए जेड अल्फा और जेड वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा के अल्फा एल वन माइनस अल्फा। क्लियर? अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? ये तो अल्फा वन माइनस अल्फा, मैंने पहले भी याद होगा आपको बताया था, अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा क्या होगा? माइनस प्लस कट जाएंगे, क्या बचेगा? वन। तो बेसिकली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज को ऐड करेंगे, वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी वन। वन जाहिर आप लिखेंगे नहीं, खाली जेड लिखेंगे, तो इसका मतलब ये पोर्शन पूरा सिर्फ आपका जेड बन जाएगा। तो आप इस पूरी, ये इक्वेशन क्या है, एक के अल्फा एल वन माइनस अल्फा आपका भी प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इसका मतलब आप यहां लगाइए जेड ए के अल्फा एल वन माइनस अल्फा। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ रही है? अब इसको आप यहीं लिखिए तो ये क्या बनेगा, f z k z l। ये अब आपका पूरा फिलहाल फंक्शन है जो आपको बता रहा है कि z इधर भी है और z इधर भी है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें f z k z l तो ये क्या है, ये z बाहर ले लीजिए कॉमन आ जाएगा, तो यानी z f k l ठीक है इज इक्वल टू z। अब ये पूरा है, या तो आप इसी को लेकर चलिए, आप ये मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k l जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, अब यहां अगर आपका फंक्शन k ऑफ l, इसका मतलब ये आपका y है, तो आप सीधा आप ये भी लिख सकते हैं z y। ये फंक्शन आपको ये भी तो बता रहा है इसके हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए कि अगर हम z की बराबर इनपुट और आउटपुट को दोनों को बढ़ा दें, अगर हम ये देखें कि हम यहां पर बढ़ा रहे हैं इनपुट में z की तरफ, इधर इनपुट हमने बढ़ा दिया z की तरफ, तो आप सॉल्व करके देखिए तो अपने आप ये आउटपुट में भी z बन जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, z इसके, हमने z से यहां मल्टीप्लाई किया है तो हमने z से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और जब हमने z से मल्टीप्लाई किया तो हमारी टोटल आउटपुट
जेड से बढ़ गई। कंसीडर कीजिए कि हमने इनपुट्स बढ़ाए थे, आउटपुट अपने आप आकर बढ़ गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन, ये कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि हाँ, अगर कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा। ठीक है, अगली देखिए, क्या हम इसकी मार्जिनल वैल्यूज ले सकते हैं। हमें तो इसकी मार्जिनल वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या हम मार्जिनल प्रोडक्ट इसका निकाल सकते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, और इतना कैलकुलस आप लोग आता ही होगा मुझे उम्मीद है, सीख ली थोड़ा सा कैलकुलस, जहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है, के एल इक्वल टू ए के अल्फा एल वन माइनस अल्फा। तो जैसे पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालें, तो अब हम एल को यानी लेबर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। पहले हम एक्सपोनेंशियल से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वन माइनस अल्फा ए के अल्फा, और यहां वैल्यू में क्या करते हैं हम माइनस वन कर देते हैं। जब वन माइनस अल्फा में से वन चला गया तो खाली माइनस अल्फा बचा यहां पर, ठीक है, ये निकल कर आ गई आपकी, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आ गया। इसी तरीके से जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, तो सिमिलरली अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, सिंपली हम इसका डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो अब अल्फा आगे आ जाएगा, अल्फा ए, अब के की वैल्यू क्या रह जाएगी, अब हम उसको अल्फा में से वन को निकाल देंगे, वन माइनस करते हैं ना, तो जो भी अल्फा बचा उसमें से हमने वन निकाल दिया, ठीक है, और लेबर आपका था ही वन माइनस अल्फा। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ गया। तो सिर्फ सिंपली आप ये रखिए, जो हमारा कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसके जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसको दोनों उस इक्वेशन को लेबर और कैपिटल दोनों के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम डेरिवेटिव्स ले लेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू एल या के, किसी को भी पहले आगे पीछे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर ले लेंगे उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एल। तो जब आप एल यहां पर आपने के का लिया है तो इसकी वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ये आ गया, और जब आपने लेबर का लिया है, एल का लिया है, तो विद रेस्पेक्ट टू एल यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आपका ये निकलकर आ गया। ये इक्वेशन से क्या मिलता है, देखिए ये इक्वेशन सिंपली आपको ये बताती है कि किसके शेयर किसकी वजह से चेंज हो सकता है, यानी क्या वजह है जिसकी वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। उसके लिए क्या, ये मानकर चलिए कि अगर आप अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ाएंगे तो कैपिटल का शेयर रिड्यूस होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कम होगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ लेबर बढ़ाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर घटेगा और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस आपको इस बात को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ए में चेंज आता है, ए अगर बढ़ता है तो उसका शेयर दोनों को मिलेगा बराबर बराबर, क्योंकि तो टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से आ रहा है, लेबर और कैपिटल की वजह से थोड़ी आ रहा है। तो अगर इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उसका शेयर दोनों में साथ साथ जाएगा। अच्छा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो एक और
प्रॉपर्टी को आ, 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 बताता है ये, यानी जैसे उसमें जैसे आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल लेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, उसके लिए आपका जो जीडीपी में कैपिटल का शेयर है, यानी आपका अल्फा शेयर है फुल जीडीपी में, उसको आप कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसी तरीके से जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, उसमें जो आपका शेयर है जीडीपी में टोटल में, यानी 1 माइनस अल्फा वाई डिवाइड बाय एल, ठीक है, ये इनकी दोनों की वैल्यू निकलकर आ जाती है। यानी ये क्या बता रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट पर वर्कर, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल। ये वाई अपॉन के है क्या? वाई अपॉन के, यहां हमने यही लिया है। ये क्या है? ये बेसिकली एवरेज कैपिटल प्रोडक्टिविटी है। और इसी तरीके से ये जो हमारा वाई अपॉन एल है, ये एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये बताता है, ये फंक्शन हमें बता कि अगर हमारा फंक्शन कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज प्रोडक्टिविटी। ये तो बेसिकली एवरेज ही निकल रहा है ना, तो क्योंकि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो इसका मतलब ये अगर हमारे पास जो हम प्रोडक्शन फंक्शन है वो कॉब डुगलस है, तो वही बात बताकर चलता है कि जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर वो प्रोपोर्शनल होती है एवरेज प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन है जिसको हम थोड़ा सा, मैं ऐसे आइडिया दे देता हूं उसका, जिसको हम लोग ने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। यह आपने देखा होगा हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉब डुगलस प्रोडक्शन में हम क्या, हम दो फैक्टर लेके चल रहे हैं, कैपिटल और लेबर। अगर आप कैपिटल को फिक्स कर दें और लेबर को बढ़ाते चले जाएं, तो जाहिर है एक वक्त ऐसा आएगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा वो कम होने लगेगा। अगर हम सिर्फ लेबर को बढ़ाते चले जाएं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है कि अगर आप दो फैक्टर, कोई फैक्टर्स हैं उसमें से सारे फैक्टर को फिक्स करके अगर एक फैक्टर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो एक स्टेज बाद आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगेगा। वो सेम केस है यहां पर, तो यानी कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को। जिस तरह कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो मैंने पहले डाली थी और उठा के उसको मैंने दोबारा इधर पोस्ट किया था जो अभी आपने देखी, इसी तरह से मैंने सोलो मॉडल की वीडियो भी बहुत पहले बनाई थी और उसको पोस्ट की हुई थी, काफी आप वैसे लोगों ने उसको देखा है, और उसी को मैंने डाउनलोड करके दोबारा यहां पर यूज कर लिया है, ठीक है। तो देखिए सोलो मॉडल को, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और वेल नोन मॉडल है, ज्यादातर लेवल्स में इसको पढ़ाया जाता है, और कभी आप इसको नेट पे ढूंढेंगे तो आपको ये सोलो स्वान मॉडल के नाम से भी मिल जाएगा। हालांकि वो अलग चीज़ें, स्वान ने भी अपना इस न्यू क्लासिकल थ्योरी पे काम किया गया था इसलिए उसको दिया जाता है। ये जो सोलो का मॉडल है, इसको कहा जाता है कि ये हैरोडोमर मॉडल जो था, हमने पढ़ा है इससे पहले वीडियो में, उसका एक एक्सटेंशन है। इसका मतलब पहले जो चीजें हैं हैरोडोमर मॉडल की, या हैरोडोमर मॉडल कहिए या कोई भी केंशियन फ्रेमवर्क में जितने मॉडल हैं, सारे की मैं बातें कर रहा हूं, केंशियन फ्रेमवर्क के जो मॉडल हैं उसमें ज्यादातर मशहूर जो है ये हैरोडोमर का है, इसमें कुछ बताया गया उसको एक्सटेंड किया सोलो ने। ऐसी कौन सी चीज है जिसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी? देखिए जो हमारा सोलो का मॉडल, उसका हैरोडोमर का मॉडल है, उसमें स्टेडी ग्रोथ तो उनको भी मिल जाता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर आपको एक बार आप स्टेडी ग्रोथ पर पहुंच गए तो बस आप उस पर चलते रहिए।
अगर आपने स्टडी ग्रोथ पाथ मिस कर दिया, हट गए, अगर आप उससे डाइवर्ट हो गए, तो फिर वो पाथ वापस नहीं मिलता है। एक बड़ी लिमिटेशन ये है। जाहिर है आपको याद होगा, आप पीछे मॉडल में हेरोडोमर देखिए, उसमें हम लोगों ने तीन तरह के ग्रोथ रेट पढ़े थे, जिसमें एक नेचुरल ग्रोथ रेट है, एक्चुअल ग्रोथ रेट है, और वॉरंटेड। तो तीनों ग्रोथ रेट को बराबर आना होगा स्टडी पाथ पर, जो मुमकिन नहीं हो पाता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी एक, अच्छा, यहां सोलो के अंदर, सोलो मॉडल में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी स्टडी उस जगह से भी शुरू कर दिए जहां इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो भी आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां आप अगर इक्विलिब्रियम से हटे तो वापस ही नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, आपको इक्विलिब्रियम पाथ अपने आप मिल जाएगा। जो मार्केट की ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वो अपने आप मार्केट को लेकर आ जाएंगी इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, एक दूसरी बात यह थी कि जो हेरोडोमर मॉडल के अंदर था, वो कैपिटल लेबर का जो रेशियो है, कैपिटल लेबर का जो रेशियो है वो फिक्स है। वो कहते हैं कि कैपिटल और रेशियो दोनों एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चलेंगे। ठीक है, लेकिन सोलो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज है, कैपिटल बढ़ा दीजिए, इसको रोके रहिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको रोके रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों एब्सोल्युटली सब्स्टिट्यूटेबल है एक दूसरे से। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरी ये कि सोलो मॉडल के अंदर सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल बताई गई है, जबकि उसमें हेरोडोमर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जो एक पॉपुलेशन है, जो एक एक्सोजीनियस फैक्टर है, एक्सोजीनियस फैक्टर बेसिकली कहते हैं जिस फैक्टर पे जब आप कोई मॉडल पर काम कर रहे हैं और उस मॉडल में कोई ऐसा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है जिस फैक्टर पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो एक्सोजीनियस कहलाता है, जैसे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, आपको अपने मॉडल में पॉपुलेशन के हिसाब से चेंजेस लाने होंगे। तो ये बेसिकली दोनों मॉडल्स में ही इसको, पॉपुलेशन को एक्सोजीनियसली लिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि सेविंग इज ए कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ इनकम। जो हमारी सेविंग है वो हमारी इनकम की एक कॉन्स्टेंट रेशियो है। जो हमारी सेविंग है, वो जो टोटल हमारी इनकम है, उसकी एक फिक्स रेशियो है और यही रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम आगे स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, ये कुछ वजहें थी जिस वजह से ये मॉडल को आगे स्टडी सोलो ने किया। सोलो ने सबसे बड़ी तो यही चेंज हो गया ना कि सोलो ने कहा कि स्टडी पाथ मिले ना मिले, आप जहां से शुरू करिए आप स्टडी पाथ तक पहुंच जाएंगे, हट जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन हेरोडोमर ने कहा था कि नहीं, एक बार हट गया तो हट गया। या केंशियन फ्रेमवर्क में जो भी मॉडल है, ये मॉडल बेसिकली जो है वो न्यू कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, न्यू क्लासिकल मॉडल, क्योंकि वो कहता है कि ओल्ड कैपिटल तो है, जो न्यू कैपिटल है वो टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा देता है। टेक्नोलॉजी को इस मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यानी सोलो ने यहां तक कहा है कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को आप नहीं लेकर चल रहे हैं तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। देखिए, वो एक एक बात इसलिए भी कहते हैं कि हम इसमें जो इस मॉडल में जो लेकर चले हैं वो तीन फैक्टर हैं। एक तो आपका कैपिटल है, दूसरा आपका लेबर है, और तीसरा टेक्नोलॉजी है। देखिए, आपका कैपिटल और लेबर, जाहिर है ये एक लिमिटेशंस होती हैं इनकी। तो यहां सोलो का ये सोचना था कि अगर मान लीजिए इसमें कोई लिमिटेशन आती है तो टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक आदमी एक खेत में खुद काम करके कुछ उगा रहा है तो कितना उगा लेगा, फिर वो ट्रैक्टर और दस तरह की मशीनें लेके उससे कर रहा है तो वो कितना उगा लेगा। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है। ठीक है, इसलिए इस मॉडल के अंदर टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, अच्छा, इस मॉडल ने पहले तो सिर्फ पॉपुलेशन को ही
एज ए एक्सोजीनियस फैक्टर माना था कि ये एक चीज है जिससे कि हम अपना ग्रोथ पाथ को सेट कर सकते हैं। लेकिन 1957 के अंदर फिर सोलो ने इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किए थे। ठीक है, तो चलिए इसका आप प्रोडक्शन फंक्शन देखते क्या होता है। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन से पहले हम इसकी कुछ अजम्पशंस देख लें, और वो अजम्पशन मेरे ख्याल से, क्योंकि वो मैंने ज्यादा लिए अजम्पशन ताकि आपको कुछ एक आध, अगर आप सारे पढ़ेंगे तो एग्जाम में कुछ तो याद रह जाएंगे, तो मैं पहले लिख लेता हूं अजम्पशन सारे, फिर उनको डिस्कस कर दूंगा। लिखता रहूं डिस्कस करूं तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए। तो पहला अजम्पशन है द इकोनॉमी इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। द इकोनॉमी इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। सेकेंड, टू प्रोडक्शन फैक्टर्स, कैपिटल और लेबर। हमारे पास दो प्रोडक्शन फैक्टर हैं और दोनों सब्स्टिट्यूएबल हैं, हम एक को बढ़ा के एक को घटा सकते हैं, एक को बढ़ा सकते हैं एक को रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना जिस रेशियो से हम इनपुट देंगे उसी रेशियो से हमें आउटपुट मिलना चाहिए, ये हमारा अजम्पशन है। हम मान के चलते ये फंक्शन कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, हमारी इकोनॉमी में जो लेबर है वो पूरी एम्प्लॉयड है, यानी हमारे ऊपर बर्डन नहीं है कि अभी ये एम्प्लॉयज नहीं है। इसी तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो पूरी तरह से पूरा हमारा यूज किया जा रहा है, यानी लेबर और कैपिटल पूरे एम्प्लॉयड है। सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी, हम एक प्रोडक्ट कोई भी बना रहे हैं इस इकोनॉमी के अंदर, जाहिर है हम अगर बहुत हम ले सकते हैं, हम उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम एक प्रोडक्ट लेके चलें, जब वो बन जाए समझ में आ जाए तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। अगला है फिक्स प्रोपोर्शन सेविंग फंक्शन, जो सेविंग फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया था वो फिक्स प्रोपोर्शन में है, कि यानी जो इनकम है उसकी इतना प्रोपोर्शन हर बार सेविंग रहेगी, और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये मैं पहले बता चुका हूं। लेबर ग्रोज एक्सोजीनियसली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेबर एक्सोजीनियसली ग्रो करेगी, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यह फंक्शन लेंगे हम, जो हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन बन के आएगा, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जो है हमारा, जिससे कि हम अपनी ग्रोथ और इक्विलिब्रियम को मेजर करते हैं, वो प्रोडक्शन फंक्शन आप लोगों ने देख ही रखा है, सिंपल है वो, वाई इज इक्वल टू ए एफ के एल। ठीक है, जहां y क्या है आपकी इनकम कह लीजिए, आउटपुट कह लीजिए, जीडीपी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, a स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, f आपका फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, k आपका कैपिटल है, पोर्शन ऑफ कैपिटल इन दिस जीडीपी, इस जीडीपी में जो कैपिटल का शेयर है वो ये के रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरीके से इसके अंदर जो लेबर का शेयर है वो एल रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं जो गैर जरूरी है, लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कहा जाता है कि इसके अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया जाता है वो कॉब डुगलस की तरह है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉब डुगलस को देखें तो उसके अंदर भी यही फंक्शन है, यहां से आप देखिए इज इक्वल टू, यहीं पर इज इक्वल टू लिखा होता है उसके अंदर, ए के अल्फा एल वन माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये वही फंक्शन है, हम बस इसको दूसरी तरह से ले रहे हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ जगह तो वो कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया जाता है, क्योंकि इस फंक्शन में और कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों में आपको यही बताया गया है कि हम कैपिटल और लेबर की कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन लेते हैं, टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए। ठीक है,
यहां पर ए में यहां लिखा है उसमें यहां पर आ जाता है, खैर वो अलग चीज है। देखिए ये बात आप याद रखिए कि जो केन्शियन फ्रेमवर्क में मॉडल थे जैसे हॉरर डोमर की हमने बात की वो डिमांड साइड को लेकर चलते हैं, लेकिन सोलो का मॉडल जो है या न्यू क्लासिकल मॉडल जो है वो सप्लाई साइड को लेकर चलते हैं। तो ये मॉडल कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स इज बेस्ड अपॉन दी प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन दिस प्रोडक्शन फंक्शन। जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि ये मॉडल सप्लाई साइड को लेकर चलता है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स इस मॉडल के अंदर बेस करती है इस प्रोडक्शन फंक्शन पे, जो हमसे ये बताती है कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी कैपिटल स्टॉक एंड लेबर फोर्स। ठीक है, अगली बात यह कि क्योंकि हमने इस मॉडल के अंदर हम मानकर चले हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी जो हम एड करेंगे उतना ही मिल जाएगा, और ये हम एक रियलिस्टिक है जिसको हम आगे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे हम एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं जेड, ठीक है, और अब हम ये करके चलते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे जो दोनों फैक्टर्स हैं के, इसको हम जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एल को भी हम जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो भी जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, समझ रहे हैं बात को? अगर हम ये मान के हमने अज्यूम किया है कि ये फंक्शन कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है, तो इसका मतलब अगर हम जेड फैक्टर से या जेड प्रोपोर्शन से कैपिटल और लेबर को बढ़ाएं तो आउटपुट भी हमें उसके हिसाब से बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें इस बात के लिए भी अलाउ करता है कि हम सारी क्वांटिटीज को साइज ऑफ द लेबर फोर्स के अकॉर्डिंगली भी एनालाइज कर सकते हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि हम सारी क्वांटिटीज को पर कैपिटा ले सकते हैं। अगर हम सारी क्वांटिटीज को पर कैपिटा ले सकते हैं तो फिर हम इस जेड को मान लेते हैं 1/L, यानी हम सबको डिवाइड कर देंगे एल से, जैसे वाई अपॉन एल ए एफ के अपॉन एल और एल अपॉन एल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यानी हमने कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल लेने के लिए जेड से मल्टीप्लाई किया इनपुट्स को, तो आउटपुट भी हमें जेड से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पर वर्कर क्वांटिटीज को लेना चाह रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हम सारी क्वांटिटीज को 1/L यानी लेबर से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा मिल जाएगा हमें। तो ये हमारी इनकम निकल गई, पर कैपिटा इनकम आई, ये हमारे कैपिटल पर लेबर और ये लेबर पर लेबर। अब जाहिर है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो अब आपके पास बचेगा क्या, ए एफ कैपिटल अपॉन लेबर 1। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये कांस्टेंट है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को भी हम मानकर चले हैं कि वो कांस्टेंट है, इसीलिए तो हमने यह लिया है इसको। जब टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट माना है तो हम इस टेक्नोलॉजी को भी यहां से इग्नोर कर सकते हैं। अब हमारे पास बचेगा क्या, वाई अपॉन एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ के अपॉन एल। ये आपका फंक्शन बन के आ गया जो आपको बता रहा है कि पर कैपिटा जीडीपी यानी आउटपुट, पर कैपिटा आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर। ये इक्वेशन शो कर रही है कि अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज ए फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम ये मानकर चले हैं कि हम क्या निकाल लें, इसमें हम बेस करिए है ना हमारी कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो ये हमें बताता है कि साइज ऑफ द इकोनॉमी यानी वर्कर फोर्स जो है वो इस रिलेशन को इफेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक फोर्स है, जो हमारी कंट्री इकोनॉमी की फोर्स है,
लेबर है वो इस रिलेशन को इफेक्ट नहीं करेगी, भले ही वो एक्सोजीनियसली है कर रही है लेकिन इस रेशो को वो इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, आई थिंक इसको हटा दूं। अब हम करते ये हैं कि ये जो हमारी क्वांटिटीज हैं y अपॉन l और k अपॉन l, इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे y अपॉन l को हम लिख सकते हैं, y अपॉन l को हम लिख दें y, और k अपॉन l को हम लिख दें k, स्मॉल k। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k। ये फंक्शन ऑफ k क्या है, ये y अपॉन l फंक्शन ऑफ k, ये बेसिकली है क्या, ये हमारा वही फंक्शन है जो हमने वहां आगे फंक्शन में लिया था, जो पहले हम जहां से अब जो मैंने मिटाया बेसिकली वहीं से हमने ये लिया था कि फंक्शन ऑफ k ऑफ 1, आपको याद होगा ये k अपॉन l था। ठीक है, तो वो कंफ्यूज होने की, ये वही फंक्शन यहां पर बनकर फिर से आ गया, बस सिर्फ हमने उसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पर कैपिटा इनकम इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, पर कैपिटा इनकम इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, अब मैं इसकी फिगर बनाता हूं कि इस फंक्शन को आप कर्व में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका कर्व आया है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का कर्व इस तरीके से आएगा, तो ये कर्व क्या है आपका, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के। ठीक है, अब यहां कुछ देखने की चीजें हैं कि देखिए जैसे जैसे आप, अगर ये क्या है, यहां पर कैपिटल आउटपुट वो कैपिटल पर वर्कर है आपके एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आपके आउटपुट पर वर्कर है, ये के अपॉन एल है कैपिटल पर वर्कर, ये वाई अपॉन एल है आउटपुट पर वर्कर। अब आप देखिए अगर आप जैसे ही कैपिटल को और बढ़ाएंगे, तो जैसे कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल पर वर्कर बढ़ता चला जाएगा, और आपका कर्व फ्लैट यहां से देखिए ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है, और उसके बाद ये फ्लैट होता चला, अभी आगे फ्लैट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे आप कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे, कैपिटल पर वर्कर बढ़ता जाएगा और कर्व फ्लैट होता चला जाएगा। अगर आप ये मान के चलिए कि आपका अगर कैपिटल कम है, आपने कैपिटल कम लगाया हुआ है, तो कैपिटल पर वर्कर ज्यादा होगा और उस टाइम में आपको प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से मिलेगा, उस वक्त प्रोडक्ट जैसे आप कैपिटल बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए यहां आ गए हैं, तो यहां पर कैपिटल पर वर्कर पहले ही बहुत ज्यादा है, अब अगर आप और कैपिटल बढ़ाएंगे तो फिर आउटपुट आपको थोड़ा सा मिलेगा। अब देखिए यहां से यहां में अगर आप कैपिटल को बढ़ाएंगे तो आउटपुट आपको जरा सा चेंज मिलेगा। ठीक है, तो इनिशियली आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब आप कैपिटल बढ़ाते चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, तो आपको प्रोडक्ट कम मिलना शुरू हो जाएगा, और यही डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से होता है। अच्छा, इसके स्लोप की बात कीजिए, अगर हम स्लोप की बात करें तो सपोज कर लीजिए ये आपने कैपिटल इतना बढ़ाया, ये आपने कैपिटल बढ़ा दिया। ठीक है, हम मान के चलते कि हमने कैपिटल वन बढ़ाया जस्ट। ठीक है, यानी जो हमारा जो ये बता क्या रहा है, ये कर्व हर पोर्शन पे हमें दे रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहां होगा, कि अगर हमने सपोज कर लीजिए एक यूनिट कैपिटल में बढ़ाया है, तो हमें आउटपुट में जितना मिलेगा वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये तो बता रहा है ये कैपिटल अगर हमने एक बढ़ाया, एग्जांपल लिया हमने एक बढ़ाया, कुछ भी बढ़ाया, तो इसके बढ़ाने से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको आप ले लीजिए कि हमने इतना कैपिटल बढ़ाया, उससे इतना हमें आउटपुट मिला, ये आउटपुट कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और देखिए इस न्यू क्लासिकल मॉडल के अंदर जो हमारे तीनों फैक्टर्स हैं वो
इक्वल नहीं है, यानी डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के या डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल नहीं है। इसी वजह से जो हमारे फैक्टर्स बढ़ाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं बाकी दूसरे को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमें आउटपुट डिमिनिशिंग मिलता है। ठीक है, और यही आप कह सकते हैं कि एक एग्जांपल भी है स्टेडी ग्रोथ का। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इनपुट को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और आउटपुट बढ़ता ही चला जाएगा। या कोई लिमिटेशन होनी चाहिए ना, देयर शुड बी सम लिमिटेशन। यही लिमिटेशन क्या है, ये बनाकर चलती है कि स्टेडी ग्रोथ को। ठीक है, स्टेडी ग्रोथ क्या है, क्योंकि न्यू क्लासिकल मॉडल कहकर कहता है कि स्टेडी ग्रोथ ऑटोमेटिकली अटेन कर लेती है, जो मार्केट फोर्सेस है वो अपने आप स्टेडी ग्रोथ को अटेन कर लेती है। लेकिन स्टेडी ग्रोथ है क्या, स्टेडी ग्रोथ है इकोनॉमी कीप्स ऑन इक्विलिब्रियम व्हाइल ग्रोइंग। इकोनॉमी जब लगातार ग्रो कर रही हो उस पूरे टाइम में वो इक्विलिब्रियम पर रहे, डाइवर्ट ना हो जाए, उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। और ये हमारा स्टेडी स्टेट है, यानी हमारा जो डेल्टा वाई अपॉन वाई है वो, यानी चेंज इन वाई अपॉन वाई, चेंज इन के अपॉन के, चेंज इन एल अपॉन, ये तीनों जो है हमारे वो बराबर होने चाहिए। और ये कैसे होंगे, कैसे अटेंड करेंगे, इसके लिए हम अपना फंक्शन ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसको याद रखिएगा। हम अपना सेविंग फंक्शन लेकर चलते हैं, एस इक्वल टू, ठीक है, हम इस फंक्शन को लेकर चलते हैं और इस फंक्शन से हम जाकर देखेंगे कि किस तरह फिगर के जरिए भी हमें स्टेडी स्टेट मिलती है और किस तरह से हम चाहे पीछे से शुरू करें या आगे से शुरू करें हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये हमारा है एस अपॉन एस इज इक्वल टू एस वाई। बेसिकली हमारे ये एस क्या है, आपको याद कीजिए मैंने पहले बताया था इसको, एस अपॉन आई है ये एस, जो सेविंग है ये हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर है, हमने पहले इसको डिस्कस किया था। तो अगर ये बराबर है तो हम एस की जगह आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे ये, इसको इधर लिख लें हम एस वाई, इसको छोटा बनाए थोड़ा सा, इक्वल टू आई। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने एस की जगह आई लिखा है और इसको ऐसे ही यहां लिख दिया। ये इन्वेस्टमेंट है क्या, पिछले साल का मेरे पास इन्वेस्टमेंट था 100, इस साल हो गया वो 120। कैसे, इस साल का हम कैसे निकालेंगे, इस साल का हम निकालेंगे 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। बेसिकली जो हमने यहां किया है ये क्या है, चेंज देखा है, कितना चेंज आया है। चेंज को हम कैसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, और क्या है ये, हमने लगाया क्या है यहां पर, ये हमने कैपिटल लगाया है, बेसिकली ये डेल्टा के है। ठीक है, तो इस आई की जगह पर हम डेल्टा के लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमने आई की जगह पर डेल्टा की, यानी वही चीज हमने लिखी है लेकिन हमने डेल्टा की फॉर्म में उसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है डेल्टा के जहां पर है उसको हम के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप दोनों तरफ कर सकते हैं लेकिन एक ही तरफ हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों कर रहे हैं तो क्वांटिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल 2 है मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, ये 2 वापस आ गया आपका, तो क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसको अलाउ करती है। तो अब हम क्या करेंगे, एस वाई इक्वल टू के मल्टीप्लाइड डेल्टा के अपॉन के। ठीक है, सिर्फ हमने इस डेल्टा के को के से मल्टीप्लाई किया
और के ही से डिवाइड कर दिया, तो के हमने पहले लिखा डेल्टा के एंड अपॉन के, ठीक है। अब देखिए आपको यह होगा, देखो यहां स्टेटिक ग्रोथ का मैंने लिखा था, तो उसमें मैंने यह भी लिखा था डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो इस डेल्टा के अपॉन के को हम थोड़ा नीचे लिखो, के आ रहा है इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा डेल्टा एल अपॉन एल, ये बेसिकली हमारी लेबर ग्रोथ है। डेल्टा एल अपॉन एल ये हमारी लेबर ग्रोथ है ना, और लेबर ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, लेबर ग्रोथ को हम लोग जर्नली कैपिटल सॉरी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देखिएगा ये कॉमन है। तो अब हम इसको लिख देंगे एस वाई इक्वल टू स्मॉल एन के, ये मैं ऊपर का मिटा देता हूं, अब तक हमारी ये इक्वेशन बनकर आई है, ये इक्वेशन हमारी एग्रीगेट डिमांड वो सॉरी एग्रीगेट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अब हमें पर कैपिटा में चेंज करना पड़ेगा, पर कैपिटा में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एल से डिवाइड कर देंगे, लेबर से या पॉपुलेशन से डिवाइड, लेबर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा निकल कर आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, एस वाई अपॉन एल इक्वल टू एन के अपॉन एल, ठीक है, क्लियर है। अब याद कीजिए हमने पहले चेंज किया था जो स्मॉल लेटर में किए थे, तो हमने y को चेंज किया, y अपॉन l को चेंज किया था स्मॉल y में, तो s y इक्वल टू k अपॉन l को हमने k में चेंज किया था, पीछे देखिए वीडियो सी में, तो उसी को हम फिर से कर रहे हैं कि n k, ये आपकी स्टेडी ग्रोथ की इक्वेशन बनकर आ गई है। ये क्या कह रही है, ये एस वाई क्या चीज है, हमारा सेविंग रेट है ये, और ये एन के क्या है, एन के हमारा ग्रोथ रेट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय दी कैपिटल लेबर रेशियो, जो बेसिकली आपका स्टेडी ग्रोथ पाथ है, जो आपका स्टेडी ग्रोथ पाथ है, ये आपका स्टेडी ग्रोथ पाथ है और ये आपकी सेविंग है, ये दोनों जहां इक्वल होंगी वहां हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए जो हमारा स्टेडी ग्रोथ पाथ निकल कर आएगा वो कैसे आएगा, जो हमारा ग्रोथ पाथ है ये एक सीधी ऑलमोस्ट 45 डिग्री पर लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये बेसिकली आपका एन के है, अब आप देखेंगे कि आपकी सेविंग रेट कहां पर है, सेविंग रेट पहले बढ़ता है फिर घटेगा स्टडी में आएगा, तो सेविंग रेट आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉइंट आपका निकल कर आया ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी ये कंडीशन मीट कर रही है, जहां आपका ये क्या है, आपका ये एस वाई हो गया, यानी ये वो जगह हो गई कि जहां पर आपका एस वाई, ये जो आपका निकल कर आया ये आपका इक्विलिब्रियम निकल आया। अब सॉलो कहते हैं इसमें कि ये बात ही ना कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमें वापस इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। वहां हेरोडोमर में क्या था कि नहीं, एक बार आपने अगर स्टडी ग्रोथ पाथ छोड़ दिया तो वो आप कभी भी अटेन नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या, ये जो हमारा ऊपर वाला क्या है, जो हमारा फंक्शन था, ये बेसिकली हमारा पोटेंशियल आउटपुट है, इतना आउटपुट हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल आउटपुट है। और ये सेविंग हमारी क्या है, सेविंग, ये बेसिकली सेविंग या आप कह लीजिए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है हमारा, यानी यहां तक जा सकता है लेकिन ये हमारा एक्चुअल है, ठीक है। और ये ब्लू वाला जिसको हम अपना स्टेडी पाथ कह रहे हैं, ये रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है
ये एक्चुअल में जितना हमने किया है ये पोटेंशियल है हमारा। इस तरीके से आप इसको समझिए तो आसान होगा। ये जो है ये हमारा जो है ये पोटेंशियल है, ठीक है, सॉरी ये हमारा पोटेंशियल, यहां तक हम जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट हमारा, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, इतना चाहिए और इतना मिला है। तो जितना चाहिए और जितना मिला, जहां वो दोनों मिल जाएंगे वहीं हम लोग इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपने यहां से शुरू किया, ठीक है, इस जगह पर क्या है, यहां पर जो आपका रिक्वायर्ड रेट है वो कम है और जो एक्चुअल है वो ज्यादा है। आप ये देखिए ना, आपका जो रिक्वायर्ड है ये तो इस जगह पर है और जो एक्चुअल में आपने किया हुआ है वो ज्यादा है। जब आपका इन्वेस्टमेंट जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी आपकी, तो वो इकोनॉमी आपकी मूव करती चली जाएगी इधर और अपने आप उस जगह पहुंच जाएगी जहां आपको इक्विलिब्रियम है। यहां पर आपकी इनकम मैक्सिमम होती है, जाहिर है ये आपका पोटेंशियल है, ये आपकी इनकम है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वजह से आप मान के चलिए कि आप यहां से शुरू कर रहे हैं जहां आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका कम है, जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका कम होगा तो क्या होगा, उस केस में इकोनॉमी आपकी पीछे चलेगी ना भाई, जितना चाहिए तो उतना आपने डाला नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, जब प्रॉब्लम आएंगी तो इकोनॉमी आपकी वापस आएगी। इस केस में आपकी इकोनॉमी वापस चलने लगेगी इस डायरेक्शन में और फिर अपना इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगी। तो बेसिकली क्यों ये मॉडल जो है, ये इसका सोलो का मॉडल इंपॉर्टेंट है, हैरोडोमर मॉडल से ऊपर इसमें एडिशन कहा गया कि इसमें एक एक्सटेंशन दिया गया, वो यही वजह है कि हैरोडोमर के अंदर था कि जब आप इक्विलिब्रियम पाथ को छोड़ देंगे तो आप वहां नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन ये मॉडल कहता है कि आप कहीं भी होइए, आप इक्विलिब्रियम पाथ से राइट हैंड साइड पर हो या लेफ्ट हैंड साइड पर हो, दोनों केस में आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अगर आप पहले हैं तो इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, आप आगे फिर उस पर आ जाएंगे। अगर आप उससे आगे निकल जाते हैं यानी आपका जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है इस जगह पर और जो एक्चुअल है वो कम रह गया, आपका जितनी जरूरत थी उतना आपने लगाया नहीं, तो फिर इकोनॉमी रुकेगी ना, वापस आना शुरू हो जाएगी, तो इकोनॉमी यहां से वापस आएगी और फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से ये मॉडल आपको बताता है कि कोई कंडीशन हो मार्केट फोर्सेस इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेती हैं और ये स्टेडी ग्रोथ रहती है, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो है ये, और बड़ी जोड़ तोड़ करके बहुत दिनों में मिलकर मैंने इस वीडियो को तैयार किया। आपने देखा होगा कि अलग अलग शूट किया है मैंने, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी मैंने मेहनत की है ये रंग लाएगी और आपके किसी काम आएगी। एक बात ये कि आप मैंने जो टॉपिक इसमें कवर कर सकता था मैंने वो टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इसमें छूट रहा है या इसमें और ऐड किया जा सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं अगर कोई टॉपिक मिले मुझे वो ज़्यादा हुए तो मैं उन टॉपिक्स को इसमें ऐड करके इसका सेकेंड वर्जन फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।